अलैकम एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम बैक टू माई नेटव तो आज का व्लॉग मैं नाश्ते से शुरू कर रही हूँ नाश्ता जो है मैं बना रही थी अपने लिए बर्गर बना रही थी तो सोचा कि चलो इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ तो बस पैट ही पड़ा था आजकल बस मुझे डाइट का शोक हुआ हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया है तो बस इसलिए मैंने अपने लिए जो है पेटी को मैंने एयर फ्राई कर लिया था साथ में मैंने अपने लिए चाय बना ली थी वो भी ज़रूरी होता है शशके भी ज़रूरी होते हैं और मोटापा का भी डर होता है तो बस फिर इंसान क्या करे तो इसलिए बस मैंने एयर फ्राई करके साथ में अपने लिए ऑयल फ्री ऑमलेट बना लिया था और साथ में मैंने अपने लिए जो है चाय बना ली थी तो ये था मेरा नाश्ता और आज नाश्ते के बाद हम एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जगह पे जा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ तो बस इसकी मेरा सॉस पैन बेचारा बहुत ख़राब हो गया लेकिन बर्दाश्त करें मेरे साथ तो सफ़र का जो नाश्ता होता है वो सुबह सुबह होता है फ्राई एग का और साथ में वो एक पीस ब्रेड लेती है और अगर पराठा बनाया हो तो साथ में पराठा लेती है साथ में चाय ज़रूरी होती है क्योंकि उसने डिप करना होता है <laughs> पीती नहीं है लेकिन यह है कि उसने ब्रेड डिप करके उसको खाना अच्छा लगता है तो फिर यहाँ मैंने नमक और काली मिर्च डाल के अपने लिए बना लिया था ऑमलेट और आ, साथ ही मैंने अपने बंस पे लगा लिया था मायो और केचप तो बस ये मेरा मज़ेदार सा जो है आ, बर्गर वो है तैयार हो गया था ये क्या है ये है। है ये आलू छोटा बेबी है का दिखाए मामा को दिखा। तो बच्चों की बातें भी इतनी मजा सी होती हैं जितना क्यूट लगा तो मैंने सोचा इस भी मैं अपने व्लॉग में ऐड करती हूँ तो बसंत इतना प्यारा है वो कहती है कि ये छोटा बेबी है इस ये छोटे बेबी आलू का जो है वो छोटा बेबी है तो मैंने कहा अच्छा तो खैर यहाँ मेरा एयर फ्राई हो गया है चिकन का जो पैटी है और साथ ही मैंने इसमें मायो लगा लिया हल्का सा और साथ में मैंने अपना ऑमलेट लगा लिया और साथ में कैचअप लगा लूँगी और साथ में मैंने कैबेज का पीस रख दिया था और बस मेरा मज़ेदार सब बर्गर है वो तैयार हो गया है तो आज आ, हम जहाँ जा रहे थे वो है एक फॉरेस्ट है और बहुत प्यारी जगह है और अगर आप लोग जदा में रहते हैं तो ज़रूर ज़रूर जाइएगा वहाँ जब तक मौसम अच्छा है आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस तरह की जगह पे जाने के लिए क्योंकि अभी तो मौसम अच्छा है तो आप लोगों को इस तरह की जगह पे जाके और ही अच्छा लगेगा तो जी मज़ेदार सा बर्गर हो गया है तैयार और साथ ही मेरी चाय भी हो गई थी रेडी और सुबह सुबह तो चाय का बस ना मिले तो बंदा पागल हो जाता है <laughs> सुबह की चाय बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए तो तो बस जी ये है वीडियो बनाते हैं वीडियो बनाने के नुकसान मैंने साथ ही अपनी चाय को गिरा लिया था बट ठहर मैंने फ़ौरन से फिर साफ कर लिया तो जी बस अब सोचा कि जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि नाश्ता वाश्ता हो गया है और जिसे जा जाना है वो थोड़ी सी ड्राइव भी ज़्यादा है तो बस इसलिए सोचा कि जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं अबाया मैं पहन रही थी ये वाला और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि अबाया मैं कहाँ से लेती हूँ तो मैं मोस्टली लमसाती से लेती हूँ और बाकी जो भी जहाँ का भी कोई पसंद आ जाए तो बस ये हम लोग निकल पड़े थे और ये मैं लोकेशन मैंने इंस्टा पे शेयर की थी अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी जगह थी और आई होप आप लोग भी मेरे साथ जो है वो इन्जॉय कर रहे होंगे हमने तो बहुत बहुत सारा खूब सारा एंजॉय किया था और मुझे तो ऐसा लग रही थी कि मैं पाकिस्तान के किसी गांव में आ गई हूँ इतनी प्यारी ग्रीनरी और घास और बहुत प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आप लोगों का भी दिल करे कहीं बच्चों को फ्रेश एयर लेक में लेके जाने का तो ये जगह बहुत बेस्ट है और आपके बच्चे जो हैं वो ज़रा खुली छुली जगह पे खेल भी लेंगे ये बहुत ही प्यारी जगह है और हम लोगों ने बैठे थोड़ी देर और इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो सवा छः का होता है तो सवा छः से पहले पहले आप यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठ के जो है वो स्टे कर सकते हैं खेल सकते हैं बच्चे और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है खाना पीना भी नहीं है बस ये है कि ये बैठने की बहुत प्यारी सी जगह है और अगर आप लोग जाएँ तो मेरा आप मशवरा ये होगा कि अपने लिए खाने पीने की जो है वो चीज़ें साथ लेकर जाएं और फिर भी अगर जगह अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे इस टाइप पर मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा मैं आपके साथ लोकेशन शेयर कर लूँगी और जी ये हो गई थी शाम आई थिंक यहाँ पाँच बज रहे हैं और बहुत प्यारा सा इधर सनसेट था और बहुत सारे लोग इधर थे बस ये है कि सवा छः तक सब जो है वो निकल जाते हैं क्योंकि खुले आई थिंक ज़मीन वगैरह खुली है तो कीड़े मकोड़ों का और मे बी जानवर शानवर किसी का डर होता हो तो इसलिए शायद टाइम से निकाल देते हैं यहाँ से लोगों को तो बस यहाँ पे बहुत सारे लोग बर्तन और पता नहीं क्या क्या लाए हुए थे बारबीकी वगैरह का सामान तो बहुत खूबसूरत जगह है आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक एंड कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा दो में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा अल्लाह अफ